हर वर्ष अश्विन माह की पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाया जाता है। बुधवार को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर नगर में कई आयोजन हुए, वहीं कृष्णपुरा छतरी से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों समाजजन शामिल हुए। इस चल समारोह में झांकियां जन आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा एवं इंदौर शहर वाल्मीकि जयंती समिति के तत्वाधान में निकाली गई। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्रम शिविर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा की जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि यात्रा में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों महिला पुरुष और बच्चे शामिल हुए। अखिल भारतीय वाल्मीकि सनातन धर्म सभा एवं इंदौर शहर वाल्मीकि जयंती एवं वाल्मीकि समाज के सहयोग से यह आज यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है हमारे धर्म गुरु प्रथम श्रद्धेय सम्माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के सानिध्य में पिछले 25 वर्षों से वाल्मीकि धर्म चेतना यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के द्वारा इंदौर शहर और देश के अंदर सुख शांति स्मृति रहे, सब लोग खुश रहें, इसी कामना के साथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यात्रा इंदौर शहर की समस्त वाल्मीकि बस्तियां, राजमोहल्ला, कमाठीपुरा, उषा फाटक, गाड़ी अड्डा, भौरकुआ, वाल्मीकि नगर, अमर टेकरी, लाला का बगीचा, विकास नगर, छावनी, सभी बस्तियों से लोग अपने ओर से झांकियां बनाकर लाए हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ का दृश्य है, भगवान बजरंग बली का दृश्य है, राधा कृष्ण का दृश्य है, वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में बैठ के रामायण लिख रहे हैं, सीता और लव कुश वहाँ विराजमान है। ये सारे चित्र चलचित्र के साथ झांकी का शुभारंभ किया जा रहा है और इस यात्रा का जो समापन श्रम शिविर पे होगा, मैं शंकर चिंतामण राष्ट्रीय महामंत्री शहर वासियों को और प्रदेश वासियों को सभी को इस वाल्मीकि जयंती बहुत बहुत बधाई।